हेलो गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं आज आई हूँ प्लाट पे, क्योंकि इस बार तो कुछ हमने सब्जी लगाई नहीं रखा है। ये घर का काम हुआ न्यू का, तो आपको मैं वीडियो बना करके आपको मैं दिखाई थी, और इस पर भी काफ़ी सारा घास जम गया है, ये आप देख सकते हैं। और तोरई और लौकी हमने लगा रखा है, तो आज मैं सब्जी तोड़ी, थोड़ा सा मुझे तोरई मिला और एक ये लौकी मिला। दो ही लोग हैं, ज़्यादा लोग की फैमिली है नहीं, तो इतने में हमारा बन जाएगा, एक टाइम का लौकी हो जाएगा। और ये हमारा निकला है तोरई, आप देख सकते हैं तोरई भी काफ़ी नरम नरम थी। यहाँ पे पशु आकर के सब खा जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, इसलिए मैं सब छोटा ही छोटा तोरैया भी तोड़ ली हूँ। और इसमें देख सकते हैं फल लगा हुआ है, तो बस केवल दो चार थान तोरई है और लौकी है, तो यही मैं तोड़ी हूँ सब्जी के लिए। और बाकी तो ये आप देख सकते हैं सब घास पात सब जमा हुआ है, कुछ इस तरह से है। और तो गाइस ये देख सकते हैं, ये अमरूद का पेड़ है, और इधर सब खेत की जुताई चल रही है, क्योंकि अगला फसल, अब दूसरा फसल लगाए जाएंगे, तो इसलिए खेत की जुताई हो रही है। धान कट गए हैं, ये आप देख सकते हैं, सभी लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं है। इस समय मौसम एकदम गुलाबी है, एकदम सुहाना मौसम बना हुआ है, तो इस वजह से सभी लोग अपने खेतों में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और ये रहा लौकी का बेल, और यहाँ से हम तोड़े हैं एक लौकी, ये आप देख सकते हैं। और ये रहा करेला, इसी में थोड़ा बहुत सब्जी लगा रखी हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पशु परेशान करते हैं, कुछ रहने नहीं देखें। और ये हमारे बच्चे लगा दिए हैं गेंदा के फूल, और इधर भी बहुत सारे फ्लावर है, इसी तरह बस लगा दिया गया है। और इधर मैं लगाई थी ये पोए का साग, बहुत ही इसका सब्जी और दाल या पकौड़े बनाते हैं, टेस्टी होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं पशु रहने नहीं देते हैं, सब चर गए हैं, सब नुकसान हो गया है। ये देखिए पान के पत्ते की तरह है, यही है, इसको हम लोग पोए बोलते हैं, पोए का साग। आप क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर भी करेला थोड़ा है, और उधर लगाई थी चिचिंडा, तो चिचिंडा तो पशु ने एकदम बेकारी कर दिए, एक दो बार तोड़ी और सब्जी बना के खाए, और बाकी तो सब पौध ही बेकार हो गया। और ये सब रंग बिरंगे आप देख सकते हैं, कितने पर्पल कलर के, कितना मस्त एकदम फ्लावर फूले हैं, हमारे बच्चों ने सब लगा दिए, और पूरा घास जम गया है। हमको लग रहा है कि फरवरी मार्च में घर पे भी हाथ लगेगा, क्योंकि घर भी बनवाना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं। और इधर रहा हमारे तोरई का पौध, और ये सब तो घास है, ये आप देख सकते हैं। एक मुझे मिला लौकी, और ये इतने मिले मुझे तोरई, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, तो इतने में हमारी सब्जी हो जाएगी। और ये देख सकते हैं इसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन मैंने छोड़ दी, और काफ़ी नरम नरम ही मैं तोड़ ली, इसलिए कि यहाँ पे पशु आकर के सब नुकसान कर देते हैं, तो इसलिए मैं छोटा ही छोटा तोड़ ली। नरम नरम के सब्जी भी मुलायम होंगे। ऐसे भी ये तोरई का पौधा है, आप देख सकते हैं, इसमें से भी तोरई मैं तोड़ी। और ये रहा मेरा अंजीर का पौधा, काफ़ी अब उजड़ सा गया है, लेकिन दो बहुत मीठे मीठे अंजीर दिख रहे हैं, मैं उसको तोड़ना चाहूँगी। घास इतने हो गए हैं ना कि इसमें सांप का डर लगता है, जाने आने का मन नहीं करता है, लेकिन वाह मुझे बहुत सुंदर सुंदर दो अंजीर मुझे मिल गए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए वाह, इसको मैं तोड़ूँगी। तो गाइस ये देखिए, ये दो मुझे अंजीर मिले, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अंजीर कहते हैं कि ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और अंदर भी है, लेकिन अंदर मैं जा नहीं सकती, घास बहुत है, मैं देखती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ। तो गाइस मैं अंदर आ ही गई, एक ये पका हुआ है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। इसको इतना ये मीठा लगता है कि चिड़िया इसको बचने नहीं देती हैं, देखिए एक ये है, चिड़िया इसको बचने नहीं देती हैं, चिड़िया जैसे ही देखती हैं
फ्रूट्स को तो खा जाती हैं। एक ये रहा, काफ़ी सारा है गाइस। एक ये देखिए, इसको भी मैं तोड़ लूँगी। देखिए वाह, एक इधर है, ये देख सकते हैं, इसको भी मैं तोड़ूँगी। काफ़ी फल लगे हुए हैं, घर देखते हैं। ये देखिए, इसको चिड़िया ने खा गई है, ये देख सकते हैं, इधर से दिख रहा है चिड़िया खा गई हैं। इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि वो भी अपना खाती रहे। और ये रहा तुरई, एक और मुझे मिल गया, इसको भी मैं तोड़ लूँगी। और गाइस मैं बाहर थी तो दिखा नहीं, एक तुरई इसमें रहा, अब इसको मैं बाहर से तोड़ूँगी। और ये हमारा रहा केला का पौधा, और नींबू तो बिल्कुल बेकार ही हो गया, सब इस पे घास पात बहुत ज़्यादा लग गए हैं। और ये रहा मेरा फेवरेट चीकू का पेड़, मैं मुझे चीकू बहुत पसंद है तो मैंने लगवा रखा है। और उधर रहा लीची का पेड़, काफ़ी हमारे आम के बड़े बड़े हो गए हैं, इस साल लग रहा है कि खाने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, आम का पौधा हमारा बड़ा हो गया है। हर साल फल आते थे छोटा छोटा, लेकिन आधी में झड़ जाते थे फल, कभी खाए नहीं, लेकिन इस बार लग रहा है कि आम हम लोग को मिलेगा खाने को, क्योंकि पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। पेड़ ये भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। इन लोग को हम लोग बहुत सिंचाई किए गाइस, बहुत उसको सींचते हुए बहुत सेवा किए, तब जाके ये तैयार हुआ है। अब निकलूँगी मैं बाहर। तो गाइस ये देखिए, इतना सारा हमको अंजीर मिल गया, और मैं अब घर चलूँगी तो इसको धो करके इसको खाएंगे, बहुत मीठा लगता है। तो चलते हैं अब घर। तो गाइस सारी सब्जियाँ और तोरई और अंजीर सारा कुछ मैं इस थैला में भर ली, और अब मैं चलूँगी घर। तो गाइस ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्र में शेयर करिएगा। आज का बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।